हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में पहली जून से लेकर 31 जुलाई तक लगभग 2 महीने मछली आखेट पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि मछली के प्रजनन के लिए इस अवधि के दौरान मछली के आखेट और मछली की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने बिलासपुर में पत्रकारों को दी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में पहली जून से लेकर 31 जुलाई तक लगभग 2 महीने के लिए मछली आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि मछली के प्रजनन के लिए इस अवधि के दौरान मछली के आखेट और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने बिलासपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जलाशयों जिसमें गोविंद सागर झील, पौंग डैम, चमेरा, रणजीत सागर डैम इत्यादि में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग इस चुनौती के समाधान के लिए प्रतिवर्ष सामान्य जलों में 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां प्राकृतिक प्रजनन करती हैं, जिससे इन जलाशयों में श्वेता मछली बीज संग्रहण हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए विभाग को मत्स्य धन संरक्षण का कार्य बड़ी तत्परता से करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य धन संरक्षण हेतु विशेष कर्मचारी बल तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बंद सीजन अवधि में प्रदेश के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को बंद सीजन राहत भत्ता योजना के अंतर्गत 2 माह में 3,000 प्रति मछुआरा सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इस वर्ष विभाग द्वारा जलाशयों में भारतीय मेजर क्रॉप एवं सिल्वर क्रॉप प्रजाति का 70 mm आकार का मछली बीज संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बंद सीजन अवधि में कोई अवैध मत्स्य शिकार को अंजाम ना दे, इसके लिए विभाग ने व्यापक प्रबंध भी किए हैं, जिसमें फील्ड लेवल के कर्मचारियों की छुट्टी तक बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जलाशयों में अवैध मछली शिकार को रोकने हेतु विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। साथ ही इस तरह के 16 कैंप पौंग जलाशयों में, गोविंद सागर झील में 16 कैंप, चमेरा में 1, रणजीत सागर डैम में 1 और कोल डैम में 3 कैंप लगाए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी विभाग जो है बंद सीजन जो कि 1 जून से लेकर के हमारा और 31 जुलाई तक होता है, वो उसको हम उसमें हमने काफ़ी तैयारी की हुई है और इसमें हमारी उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। सभी कैंप भी हमने बहुत सारे लगाए हुए हर रेजरवायर में, जैसे पौंग रेजरवायर में हमने 22-23 आदमी जो हैं वो बिल्कुल इसी के निगरानी के लिए ही रखे हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ बिलासपुर में भी काफ़ी कैंप लगाए हुए हैं और इस पर्टिकुलरली ये जो आपका ये प्रजनन काल होता है हमारी मछलियों का, इसलिए क्लोज सीजन हम लगाते हैं। तो इसमें मत्स्य आखेट के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध है, चाहे वो पानी जो है वो सामान्य जल हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिजर्वायर हो, मतलब सभी में जो है ये बंद है। सामान्य पानी में ये बिल्कुल मत्स्य आखेट बंद होता है।